हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैंने ये इयरिंग्स पहनी हुई है। कैसी लग रही है? आई होप कि अच्छी लग रही होगी। ये मैंने एक मेले में से खरीदी थी, ऐसे ही घूमने गए हुए थे हम लोग तो खरीद लेते। तो चलिए फर्स्ट हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो कैसा बनाऊँ आज मैं आप लोग को बताऊँगी। होली के लिए 5 डिफरेंट टाइप की कुर्ती के साथ हेयर स्टाइल। होलियों में जो लड़कियाँ कुर्ती पहन रही हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो होली आने वाली है तो तैयारी कर लो, वीडियो देख लो और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो इस तरीके से आईब्रो के आज से आपको हेयर को उठाना है एंड इस तरीके से कॉम कर ले रही हूँ मैं इस टाइप की कॉम से। आपके पास ऐसी कॉम नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी कॉम से कर लीजिएगा। सॉरी। फिर मैंने इस तरीके से पफ बनाया है एंड पफ को आगे की तरफ पुल किया है ताकि थोड़ा सा पफ बड़ा बन सके। और उसके बाद से मैंने ये बॉबी क्लिप्स लिए हैं एंड इसको अपने पफ पे लगा दिया है जिससे कि मेरा पफ अच्छे से होल्ड हो जाए वहीं पे। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप चाहो तो इतने पे भी छोड़ सकते हो और जिनके छोटे बाल हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है गाइज। तो फिर दोनों साइड से इस तरीके से हेयर को लिया है मैंने। ये वाला हेयर स्टाइल छोटे फोरहेड के लिए एंड छोटे फेस के लिए बहुत क्यूट लगने वाला है। तो जल्दी से ये हेयर स्टाइल जिनके जिनके भी फोरहेड छोटे हैं और फेस भी छोटा है उनको शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक छोटू सा क्यूट सा क्लचर लेना है एंड जो हमने हेयर पकड़ा था उसके ऊपर जस्ट लगा देना है। ओके, और आपका हेयर स्टाइल हो चुका है डन। तो है ना बहुत इजी क्विक हेयर स्टाइल, वो भी कुर्ती में। एंड होली पे आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है और स्टाइलिश दिख सकता है। तो चलिए सेकेंड। तो सॉरी गाइस, कॉल आ गया था फिर मैं एडिटिंग के बीच में ही कॉल उठाना पड़ा और मैंने फ्लाइट मोड पे डाल दिया, अब कोई भी मुझे फ़ोन नहीं कर पाएगा और मैं चलती हूँ सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो चलो जल्दी हेयर स्टाइल समाप्त करते हैं। जितने भी हेयर स्टाइल है 7 हेयर स्टाइल है, क्यूट ईजी एंड क्विक हेयर स्टाइल है, होली के लिए बेस्ट रहेंगे। बार बार बोल रही होली के लिए बेस्ट रहेंगे। तो हेयर स्टाइल की वीडियो पूरी देखना, सबको शेयर कर देना और होली में ट्राई करना। और आपने कौन सा हेयर स्टाइल ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल में स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल के मैंने मिडल पार्टीशन की है। मिडल पार्टीशन पे ही ये हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, तो आप भी मिडल पार्टीशन पे ही करिएगा और स्किन टाइप पे अच्छा लगेगा गाइज। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका स्किन टाइप अदर है तो अच्छा नहीं लगेगा, सब पे अच्छा लगेगा। तो आप जरूर ट्राई कर लेना। और इस तरीके से मैंने थोड़े से हेयर को लिया है एंड यहाँ पे एक पतला वाला रबड़ बैंड लूँगी और इसको लगा दूँगी इस तरीके से। ओके, आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा पतला वाला रबड़ बैंड। आप मोटा चाहो तो मोटा भी लगा सकते हो, लेकिन पतले वाले रबड़ के बैंड के साथ ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। सेकंड साइड भी इसी तरीके से रबड़ लगा लिया है। अब क्या करेंगे, अब आपको इस तरीके से एक साइड के हेयर को छोड़ देना है और दूसरी साइड के हेयर में इस तरीके से एक होल करना है एंड अपर डायरेक्शन से नीचे की तरफ इस तरीके से खींच लेना है और उसको टाइट कर देना है और दैट्स इट। बहुत प्यारा लगता है, बहुत क्यूट लगता है एंड बहुत ईजी है, सबसे अच्छी बात की ईजी है। और उसके बाद से सेकंड साइड भी सेम करना है, इस तरीके से हॉल करना है, अंदर की तरफ सारे हेयर को डालना है, इन जितनी हेयर को अच्छे से पीछे की तरफ खींच देना और पीछे की तरफ ही छोड़ देना है टाइट करके। तो ये हो गया हमारा सेकंड हेयर स्टाइल, है ना, बहुत क्यूट एंड ईजी सा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, कुर्ती पहन रहे हो तो बहुत प्यारा लगेगा, साड़ी के साथ भी जचेगा ये। अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो वो भी ट्राई, ये हेयर स्टाइल फिर भी ट्राई कर सकते हो। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो थर्ड हेयर स्टाइल मैं करने वाली हूँ साइड पार्टीशन से। तो चलिए साइड पार्टीशन से इसको हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। ये वाला हेयर स्टाइल ज़्यादातर लॉन्ग फेस पे बहुत क्यूट लगने वाला है, तो लॉन्ग फेस वाली लड़कियों जल्दी जल्दी ट्राई कर लो ये हेयर स्टाइल। और इस तरीके से हेयर को मैंने लिया है एंड थोड़े थोड़े हेयर का सेक्शन लेंगे एंड इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करते करते पता है यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज थी कि क्या बनाऊँ, बट सडनली मुझे याद आया कि इस तरीके से कर सकते हैं और बहुत प्यारा भी लगेगा, ये स्टाइलिश भी लगेगा। तो थोड़े थोड़े हेयर लेके आप इस तरीके से ट्विस्ट करोगे अपने क्राउन एरिया तक और इसको ट्विस्ट करके हल्का हल्का खींच लेंगे। जिसके भी पतले बाल झड़ गए हैं यार, उसको इस तरीके से बालों को फुलाने की ज़रूरत है, यानी कि वॉल्यूम लाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से खींच के आप सिंपली एक क्लिप लगा दो यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिप लगा दिया है एंड सेकेंड लेयर लेंगे और इनको सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपस में ट्विस्ट कर देंगे इस तरीके से। आपस में लपेटते जाओ, बस इतना ही लपेटो कि बस थोड़ी सी आपकी लेयर लंबी सी दिखे, ज़्यादा भी नहीं लपेटना है। एंड यहाँ पे हो गया हमारा लपेटना मतलब ट्विस्ट करना गाइस। अब इसको सिंपली यूपिन लगाओगे तो खुल जाएगा हेयर स्टाइल, बॉबी क्लिप से इस तरीके से लगा दो, दैट्स इट। आपका फोर्थ हेयर स्टाइल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, सॉरी थर्ड हेयर स्टाइल। और इस साइड के हेयर को आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, बड़े बड़े झुमके डाल सकते हो जैसे कि मैंने डाले हुए, आज मैंने झुमके भी डाले हुए हैं। तो इस तरीके से आप झुमके डाल सकते हो और आपका हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है।
इस तरीके से बैक से लुक आएगा एंड साइड से बहुत प्यारा लुक आने वाला। जिसका भी लॉन्ग फेस है या फिर साइड हेयर आपके ऊपर जचता है तो आप ये कर सकते हो। फोर्थ हेयर स्टाइल भी ऐसे ही करना, इसको ऐसे ही रहने दो, इस बेचारे को खोलने की क्या जरूरत है, ऐसे ही छोड़ दो। फिर आपको थोड़ा सा हेयर इस साइड से लेना है, देन इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते जाना है और अच्छा सा ट्विस्ट बना लेना है सारे बालों में। और ये हेयर स्टाइल आप छोटे फोरहेड के लिए कर सकते हो, काफ़ी प्यारा लगेगा। ओवल फेस है तो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से करना है, हल्का सा इसको लूज करना है जिससे कि जो हमने ट्विस्टिंग की है वो दिखे तो सही। तो इस तरीके से मैंने क्लिप लगा दिया है एंड दैट्स इट, हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। फोर्थ हेयर स्टाइल भी ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा पुल आउट करने पे हमारे सारे लेयर्स दिख रहे हैं, जिससे कि जो हमने मेहनत की थी वो यहाँ पे रंग लाई है, निखर के आ चुकी है और हमारा हेयर स्टाइल का एक एक लेयर दिख रहा है यहाँ पे। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट हो गया, होली के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पांचवे हेयर स्टाइल में भी मैंने अगेन सेंटर पार्टीशन की है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आपको थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं। हाँ, यहाँ से फ्रंट से ये वाला लट जो होता है हमारे हमारे फेस को बड़ा ही अच्छा और अट्रैक्टिव दिखाता है, तो इसको भी निकाल लीजिएगा एंड इस तरीके से उसके बाद से सारे हेयर को ट्विस्ट करते जाइए। ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, थोड़े थोड़े हेयर लीजिए और ट्विस्ट करते जाइए एंड एंड तक ट्विस्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ तक, जैसे कि हमारे झुमके ईयर रिंग्स जो भी हमने पहने वो दिखे। अगर आपने छोटे छोटे पहने या फिर आपको नहीं दिखाना है तो आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके वहाँ पे भी क्लिप लगा सकते हो, बट मैंने इतने बड़े बड़े झुमके डाले तो मुझे दिखाने ऑब्वियसली, तो इस तरीके से झुमके भी हमारे दिखेंगे, हमारे हेयर का लुक भी काफ़ी अच्छा दिखेगा और यहाँ पे ट्विस्टिंग जो हमने की है वो प्रॉपर दिख रही है और बहुत क्यूट लग रही है। तो और क्लिप जो हमारी दिख रही है उसको हाइड कर दीजिएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सेकंड साइड भी सेम इसी तरीके से करना है एंड जो हमारा लेयर है इसको तो निकालना ही है। और ये हाँ, शादीशुदा होते जो न्यूली मैरिड गर्ल्स है, वुमेंस है, उन पे बहुत प्यारा लगेगा। साड़ी पहन रहे हो, मायके में आ रखो, सिर पे पल्लू नहीं रखना है, तो ये हेयर स्टाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और गर्ल्स के लिए तो सारे हेयर स्टाइल बेस्ट है। तो होली में ये 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की न्यू एंड क्यूट हेयर स्टाइल है। न्यू तो क्या है, मतलब सब बना सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ईजी एंड क्यूट 5 एंड 6 हेयर स्टाइल हैं और बहुत प्यारे लगेंगे, तो आप ये ट्राई कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया। एक और चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ वीडियो के एंड में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस। तो ये देखिए जो हमारी लेयर्स है उससे हमारा फेस का थोड़ा सा फेस को थोड़ा सा फ्रेम मिल रहा है, जिससे कि काफ़ी क्यूट लग रहा है मेरा फेस, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आई डोंट नो कि कैसा लगता है आप लोगों को, बट लेयर्स निकालने से आई होप कि आई नो कि सबको सबके ऊपर फेस पे हेयर लेयर्स आते हैं तो थोड़ा सा फेस का लुक चेंज हो जाता है और अच्छा दिखता है। तो ये हमारा पाँचवा हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट हो चुका है। तो कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, जिसके भी शोल्डर लेंथ हेयर हैं। और ये सारे हेयर स्टाइल ना कॉलेज गर्ल्स भी कर सकती हैं, तो कुर्ती पहन रही हैं तो ये सारे हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो अगेन मैंने थोड़ा सा अपने कॉम से अपने बालों को कॉम कर लिया। और ये है मेरी प्यारी प्यारी दोस्त फ्रेंड्स मछलियाँ, तो मैं इनको लेके आई थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। क्यूट है ना, सारी की सारी 3 मछलियाँ हैं इसमें, बट इसको रख देने पे काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं क्योंकि मिरर भी रखा है सामने में, तो बहुत अच्छी लगती है और क्यूट लगती है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। रुकी रुकी जा कहाँ रहे, अरे अरे रुकी रुकी, अगेन आप 6 हेयर स्टाइल भी इसी में कर सकते हो। यहाँ से आपको थोड़े थोड़े हेयर का सेक्शन लेना है, देन पीछे की तरफ लेके जाना है, ये छठा हेयर स्टाइल हो जाएगा हमारा। ये छोटा सा क्लचर अगेन आ गया हमारा एंड इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है, सेंटर में लेके जाना है। अगर आपको साइड से हेयर आपको डिस्टर्ब करते हैं या फिर आपको अपने झुमके या इयर रिंग्स पूरा अच्छे से प्रॉपर दिखाना है तो आप इस तरीके से हेयर को ले लो एंड छोटू सा क्लचर यहाँ पे लगा दो। मजाक कर रही थी, इयर रिंग्स की बात, आप मतलब इस तरीके से लगा दोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, या फिर जिसके बहुत कर्ली हेयर है उसके ऊपर ये हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरी कस्टमर आ गई थी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।